रामपुर से आपको बड़ी जानकारी दे, जेल के बाहर जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 6 सिपाही निलंबित किए जा चुके हैं और गणतंत्र दिवस पर नारेबाजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। आईजी कारागार ने कार्रवाई के लिए लखनऊ भेजी थी रिपोर्ट और अब जानकारी मिल रही है कि इन तमाम सिपाहियों को निलंबित किया जा चुका है। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी मौजूद हैं फोन लाइन पर, क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट है उबैदुर रहमान के मामले पर? ये वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि ये रामपुर जिला कारागार के बाहर का है और गणतंत्र दिवस वाले दिन का ये वीडियो है, जिसमें ये जो देशभक्ति के नारों के साथ साथ राजनीतिक नारे भी ये सिपाही जो है लगा रहे थे और ये जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगाए थे। बताया जा रहा है ये कि जो सिपाही हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये प्रभावित थे जयंत चौधरी से, और जिस तरह से इन्होंने नारे लगाए, राजनीतिक नारे लगाए और वर्दी पहने हुए लगाए हैं, तो ये अनुशासनहीनता में आता है और इसीलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। जो रामपुर जेल प्रशासन है उसने विभागीय कार्रवाई के लिए आईजी कारागार लखनऊ को भी चिट्ठी भेज दी है और बताया जा रहा है कि इनको 6 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, तेजी से वायरल हो रहा था। जी बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं इन तमाम पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस का ये वीडियो बताया जा रहा है और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे के साथ राजनीतिक नारे लगाए गए, वीडियो में दिख रहे तमाम पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है।